आप अपनी एक्टिंग से हर किरदार में जान डाल देते हैं, फिर हेरा फेरी में तोतला बन रहा हो या इस किरदार में आपका पान चबाना रहा हो, उसके बारे में मैंने कहानी सुनी, 160 पान खाए। जी 160 पान खाए थे, क्योंकि वो चाह रही थी कि मैं समोसा खाऊं। हमने कहा कितना समोसा खाना पड़ेगा, हम अब हम लोग हैं बनारस के पास के, तो मतलब पान मंगा लो तो पान, लेकिन वो पान वो बहुत सारे शॉट्स लेती रही और उसमें पान आता गया, मैं उसमें आनंद में रहा, तो मैं बड़ा आनंद भी लिया, लेकिन या वो आदत तो नहीं लगी है? आदत तो नहीं लगी, आदत आनंद तो लिया। अब घर लोग हैं हम लोग, आदत लगती है छूटती है, ऐसी कोई बात नहीं। जब शुरुआत हुई लापता लेडीज की, क्योंकि एक इंटरव्यू में खुद जो किरण राव है उसका जिक्र भी करती हैं कि जो श्याम मनोहर का किरदार था उसमें वो आमिर खान को लेकर सोच रहे थे पहले, वो नहीं बैठ पाए। आमिर खान ने कहा कि नहीं, जब उन्होंने आपको देखा, जब आपने उसे कास्ट किया, जब आपने उस किरदार को निभाकर दिखाया कि नहीं, जो मीनाक्षी ने भी कहा कि आपने ऐसी जान डाल दी कि वो किरदार बना ही रवि किशन जी के लिए। आमिर खान ने वर्दी बनाई थी, उन्होंने ऑडिशन दिया था, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैसा उन्हीं का लगा था, वो मात्र 5 करोड़ में फिल्म बनी थी, तो वो चाहते थे, लेकिन किरण राव जी ने मेरी फिल्म एक मुक्काबाज देखी थी, तो उन्होंने वो मेरे जहन में, उनके जहन में था, आमिर चूंकि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, आमिर उनके नज़र में था कि आमिर रहते तो कुछ प्रिडिक्टेबल सा हो जाता, मनोहर एंड में ऐसा कुछ करेगा क्लाइमेक्स में, ये उम्मीद नहीं थी, रवि किशन ऐसा करेंगे वो, और वो किरण राव बहुत सही थी और आमिर ने भी इसको माना, उनका दिल बहुत बड़ा आमिर खान का, उन्होंने सरेआम उसको एक्सेप्ट किया कि रवि किशन जैसा शायद मैं नहीं कर पाता। बाबा जी ने बधाई दी? हाँ उन्होंने मुझे, अभी महाराज जी ने पिछले हफ्ते ही, हम लोग अभी दशहरे पे थे, उन्होंने वो बड़े खुश हुए कि आपकी फिल्म ऑस्कर में गई, उनके लिए बड़ा गर्व की बात है कि मैं उस गद्दी की सेवा कर रहा हूँ और मेरा सांसद ऑस्कर तक पहुँच गया, उनको बहुत अच्छा लगता है। मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने या भाजपा ने या पूज्य योगी महाराज जी ने कभी मना नहीं किया कि अपना काम नहीं करो, पार्लियामेंट अटेंड करो, सेवा में रहो, कोविड के टाइम पे रहो, गोरखपुर में रहो, मैं वहीं रहता हूँ, गोरखपुर रहता हूँ, लेकिन अपना काम भी करता हूँ, तो मैं सेवा करता हूँ, जो निस्वार्थ भाव तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का है, देश की सेवा निस्वार्थ तरीके से भी आप राजनीति कर सकते हैं और देश को बढ़ा सकते हैं, वही योगी जी का, महाराज जी का भी है, और वही भाव हमने इन दोनों से सीखा है, उसी भाव पर मैं चल रहा हूँ। आप एक मजे हुए कलाकार हैं, उसी के साथ बड़े मार्जिन से जीते हुए सांसद भी हैं, तो मजा किस में आता है? क्या अभिनेता के तौर पर मजा आता है, राजनेता के तौर पर मजा आता है, कौन सी चीज कठिन है, कौन सी सरल है और कौन सी पसंद है? बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन बहुत ही सुंदर, लोग मुझसे कहते हैं कैसे कर लेते हो, इसमें मेरी, मुझे नींद बहुत कम मिलती है, मैं 3-4 घंटे 5 घंटे सो पाता हूँ, भागदौड़ बहुत होती, बट या ये सिनेमा जब मैं करता हूँ, मेकअप लगाता हूँ, तो मुझे वो मेरा ऑक्सीजन है, जहाँ से मेरा परिवार भी चलता है। राजनीति मैं वो करता हूँ क्योंकि बचपन में मुझे किसी ने मदद नहीं की थी, तो मैं, मुझे भगवान ने मौका दिया है, मैं उन सारी मदद करने के लिए, लोगों के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ, अपने क्षेत्रवासियों के लिए, जिन्होंने दोबारा मुझे वापस एक ऐतिहासिक वोट के साथ जिताया, तो ये आनंद ये आता है कि वहाँ पर मैं जिंदा रहता हूँ जब मैं कैमरे के सामने आता हूँ, और साल में चुनिंदा फिल्में अपने मन की कुछ करना चाहता हूँ, बाकी मैं राजनीति में सेवा करना चाहता हूँ, जो मौका हमको प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी जी ने दिया। मैं खुद गया गोरखपुर जब लोकसभा चुनाव में आप मेहनत कर रहे थे फील्ड पर, पहली बार जब इंट्रोडक्शन गोरखपुर वासियों के लिए आपका हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी ने सीट छोड़ी थी, उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी थी आपके कंधों पर, दूसरी बार आप काम कर गए, अब जो गोरखपुर के लोग हैं वो कैसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक सांसद के तौर पर, सांसद प्रतिनिधि के तौर पर, या वो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं कि उनके सांसद जो हैं वो इंटरनेशनल स्टार हैं? नहीं, वो उनको पता है कि ट्रेन का रिजर्वेशन भी बुक करवा दिया हमारा खातिर, हमके अस्पतालों में एडमिट करवा दिया, इक्वल काम करी हैं और साथ सिनेमा में भी जई हैं, मतलब ये हमारा अवघड़न 31st के नाइट में स्टेज पर खड़ा रह के रॉकस्टार जैसे गाई ला भी, डांडिया में जाके नाची ला भी, नवरात्र पे भी नाचता हूँ, गाता हूँ, आनंद देता हूँ, हम रस एगो जनोला ना कि एगो कहा वो कहावत रहे हो कि पूरा जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बदल देना कि
राजनेता के देख के लोगन के मोस्टली बहुत अलग भावना आवत रहे 2014 के पहले। रे नेता आ गया, कितना करप्शन, लोग इतने लुटेरे लूट के खा गए थे कि सिनेमा में भी वैसे सब बताया जाता था। हमारा सांसद तो रॉक स्टार है भाई। जी जी जी, तो ये यही मोदी जी चाहते थे, यही राजनीति है कि आप नॉर्मल रहें, आप जैसे हैं आप वैसे रहें, जबरदस्ती नहीं कि आपको पूरा खदरी चद्दर पहन के ही घूमना है तभी आप नेता बनवा, इसे नहीं। सेवा मन में होला, भारत मन में होके के चाहिए, ईमानदारी खून में होके के चाहिए, शब्द में कथनी करनी में अंतर नहीं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, जैसे पूज्य योगी महाराज जी, जैसे भाजपा करती है, जिसके बदौलत हम लोग हरियाणा इतना ऐतिहासिक तरीके से जीते, अब हम लोग झारखंड जीतने जा रहे हैं और महाराष्ट्र जीतेंगे। आपने जो कुछ भी कहा, कहा जाता है कि पर्दे पर जब कलाकार दिखता है तो एक रील लाइफ होती है, रियल लाइफ में अलग होता है, लेकिन आपकी रील और रियल लाइफ तो मुझे बिल्कुल अलग नहीं लग रही है, बिल्कुल सेम लग रही है। जैसे आप पर्दे पर दिखते हैं वैसे ही आप अपने अपने जीवन में, निजी जीवन में भी ऐसे नॉर्मल नेचुरल रियल रहना चाहिए। इस देश को अब वो समय आ गई बा, ये देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे मोल्ड कर दिया कि अब जो यहाँ पर स्ट्रेट रहेगा, सच रहेगा, रियल फेस को ही देश पसंद करेगा, झूठ को ये देश नहीं पसंद करेगा। देश अब खुद जज करता है, देश अब खुद वोट करता है, देश को ट्रांसपेरेंट कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये बहुत ऐतिहासिक काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, उन्होंने राजनीति का चेहरा बदल दिया। पहले ऐसी एक राजनीति, अब फेस ऑफ करना पड़ता है, इसीलिए ये सब जितने विरोधी दल हैं इन लोगों की हालत इतनी खराब होती है। राजनीति को उन्होंने मेहनत, ईमानदारी, जनता का पैसा सीधे जनता में, ये थॉट कभी नहीं था जो दिखाई दे रहा। आज हमारे गोरखपुर में प्रधानमंत्री जी ने एम्स दिया, फर्टिलाइजर दिया, आज गीडा इंडस्ट्री, आज अनगिनत हवाई जहाज चलते हैं, आज वहाँ पे गोवा की तरह क्रूज है, वाटर स्पोर्ट्स हैं, फिल्म की स्टूडियोज हैं, वहाँ पे शूटिंग्स होती हैं, वहाँ पर सैनिक विद्यालय का उद्घाटन हुआ, 4 महाविद्यालय हैं, आज सब कुछ है। आज 52 लाख की आबादी में हमने वहाँ हेल्थ पर काम मोदी जी ने और पूज्य योगी महाराज जी ने बहुत किया है, पॉल्यूशन हमारे यहाँ बहुत कम है, बहुत सारी चीजें। गोरखपुर आज एक टूरिस्ट हब बन गया है, वी हैव बिग जू, वी हैव एवरीथिंग ओवर देयर। सो गोरखपुर राइट नाउ एक नजीर पेश कर रहा है पूरे भारत में अपने आप में। अब क्योंकि यही मंजे वाले कलाकार की खासियत भी होती है कि कैसे वो फिल्म जगत की बात करते हुए राजनीति पर सारी बातों को लेकर आ जाते हैं, और अब क्योंकि सांसद में तो सवाल तो बनते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर भी सवाल, क्योंकि कानून व्यवस्था के भी हैं, उपचुनाव भी आ गए हैं, तो तैयारी कैसी है? हम लोग जीतेंगे, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, वो झूठ की काट की हाँड़ी बार बार नहीं चढ़ती, वो हम लोग के साथ धोखा हो गया। उस वक्त जनता भी आज बहुत दुखी थी, और उसी जनता का आक्रोश आपने हरियाणा में देख लिया, वो झूठ का बॉन्ड, वो कांग्रेस की झूठ, वो सारी बातें, वो लोगों ने सपा के झूठ, वो जातिकरण जो किया उन्होंने, बहुत संविधान का झूठ जो फैलाया, वो सब पर से पर्दा हट गया। देश को जैसे पता चला कि सब लोग का प्लान था मोदी जी को कमजोर करना, अब देश आक्रोशित होकर खड़ा हो गया है। आप देखिएगा उपचुनाव का रिजल्ट कुछ ही महीने में आपके सामने आएगा, आपके सामने झारखंड का रिजल्ट आएगा, महाराष्ट्र का रिजल्ट आएगा, और सब भाजपा के पक्ष में होगा।